बोलते हैं मनीला में। ये जगह कॉर्बेट से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी में है, और इस जगह का फायदा ये है कि यहाँ से हिमालयन रेंज हमें पूरी दिखती है, बहुत बढ़िया। और हम जिस प्रॉपर्टी में है उसका नाम है फ्रेंडशिप लेन, और इसमें 7 कॉटेज है, ये इस तरह के 1, 2, 3, और एक एक कॉटेज है, हम आपको ये से दिखाते हैं। तो इसका नाम है गरुड़। ये इसका कॉमन एरिया है, देन इसमें है एक एक किचन, हर कॉटेज में एक किचन है, देन इसके बाद यहाँ एक रूम है। ये है इसका रूम, और इसमें है कि विंडो, ये है इसमें एक सेपरेट विंडो जिससे आप माउंटेन, पूरा माउंटेन का व्यू ले सकते हैं। अब ये है इसका वॉशरूम, कॉमन एरिया से होते हुए अब आता है दूसरा रूम इसका। और यह है इसका दूसरा रूम। फिर है यहाँ से माउंटेन व्यू, और आपका ये वैली भी है। यहाँ से देख सकते हैं हर कॉटेज अलग अलग, मतलब इनके बीच में एक अलग अलग डिफरेंस है। तो हर कॉटेज एक कह सकते हैं कि आप आपके लिए इंडिविजुअल कॉटेज है, जैसे वो है देन उससे बिल्कुल अलग ये है, इससे बिल्कुल अलग ये है। इसी तरह हमारा एक बैक साइड में कॉटेज है, सारे के सारे सेपरेट कॉटेज है। अगर आपकी एक फैमिली है तो इसमें 2 रूम है, 4 से लेकर 6 लोग कंफर्टेबल है आपके लिए। इसके अंदर किचन भी है, और यहाँ से व्यू बहुत अच्छे हैं। जब कभी आप यहाँ आएंगे तो यकीनन आपको बहुत मजा आएगा। से अभी 90 किलोमीटर आगे आए हैं, और एक बेहद ही प्यारी और बेहद ही खूबसूरत जगह है जिसे हम उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ 12 मास ठंड रहती है और मैक्सिमम टाइम जो है बर्फ़ रहती है। आप अभी भी हमारे पीछे देख सकते हैं, और स्नो पीक आपको दिख रहे होंगे। और हम जिस प्रॉपर्टी में आए हैं हम उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। हमारे साथ सर आपका नाम क्या है? रघुवर सिंह। तो रघुवर सिंह यहाँ पर एक GM और मैनेजर की पोस्ट में है। तो सर आपकी प्रॉपर्टी का क्या नाम है? फ्रेंडशिप लेन करके हमारी प्रॉपर्टी का नाम है सर। इसमें कितने कॉटेज हैं? 7 कॉटेज हैं सर। 7 कॉटेज हैं। और कुछ बताएंगे यहाँ के बारे में कि किस तरह की कॉटेज हैं और कैसे? सर यहाँ पे मोस्टली 7 कॉटेज हैं, जो 4 कॉटेज तो सेम कैटेगरी के हैं और 2 कॉटेज हैं जो डिफरेंट कैटेगरी के हैं, जिसमें सिर्फ डिफरेंस इतना है सिर्फ विंडो, सिटिंग विंडो नहीं है सर इसमें 2 कॉटेज में, बाकी 5 कॉटेज में हमारे पास सिटिंग विंडो है। और इस प्रॉपर्टी की खास बात यह है कि हर प्रॉपर्टी में आपको किचन मिलता है, तो इसमें आपको 2 रूम मिलते हैं और एक आपको डाइनिंग एरिया मिलता है और एक किचन मिलता है। तो हर जो कॉटेज है वो सेपरेट सेपरेट कॉटेज है, तो मतलब ये जिस तरह समझ सकते हैं कि ये एक विला है, तो हम आपको इसमें 7 विला देते हैं, जिसमें एक विला से दूसरे विला तक जाने में काफ़ी, मतलब एक बीच में अच्छी खासी दूरी है। तो आप यहाँ अपना कीमती टाइम स्पेंड करने के लिए, और जो आजकल डिमांड चली है, आज जैसा टाइम आया है जिस तरह से लोग वर्क फ्रॉम होम के लिए कोई लोकेशन ढूंढते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको इससे प्यारी कोई लोकेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो रूम्स बनाए गए हैं ये उसी पर्पज़ से बनाए गए हैं। इसमें आपको आपका इंडिविजुअल किचन मिला है, आप अपना बाहर से सामान ला सकते हैं, देन जितने भी दिन चाहे उतने दिन रह सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है उसको ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर हर रूम में वाईफाई की कनेक्टिविटी दी है आपको, और सामने आप हिमालय के दर्शन कर सकते हैं। तो जब आप थक हार जाए पॉल्यूशन की ज़िंदगी से, कभी आपको लगे कि हाँ मेरे को पहाड़ों की तरफ रुख करना चाहिए और वर्क फ्रॉम होम का आप काम करते हैं, तो आपका स्वागत है मनीला में, जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से 90 किलोमीटर की दूरी है। तो आइए मनीला, आपका स्वागत है, हम स्वागत करते हैं आपका इन हिमालय की गोद में।